तो एक्चुअली ना मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे लाइक अगर मैं NIT जलंधर में एडमिशन लेता हूँ तो मेरे 4 साल कैसे निकलेंगे, क्या रिग्रेट तो नहीं होगा, क्या मैं बोर तो नहीं होऊंगा, क्या लाइफ मेरी सेट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा ताकि यार चीज़ें तुम्हें मजा आए, ठीक है। और ये बात तुम्हें सिर्फ NIT जलंधर में बंदा जो पढ़ रहा है वही बता सकता है, मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा क्या क्या चीज़ें तुम फेस करोगे वहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, जो कॉलेज जो है तुम्हारा आउटस्कर्ट्स में है, जलंधर के सिटी से दूर है, तो आसपास इतना बढ़िया नहीं है, बट कैंपस में यार काफ़ी फैसिलिटीज हैं तुम्हारे पास, कैंपस में तुम मज़े मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हॉस्टल की बात करूँ मैं, हॉस्टल फूड कैसा है, हॉस्टल फूड जनरली बंदे कहते हैं कि हॉस्टल फूड बढ़िया नहीं होता मैस का, बट यहाँ पर मैं बात करूँगा हॉस्टल फूड काफ़ी बढ़िया है। मैं मतलब मैस में भी आइसक्रीम मिल रही है, जलेबी मिल रही है, पेस्ट्री मिल रही है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, मतलब पनीर, शाही पनीर मिल रहा है और पुलाव मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई अच्छा नहीं है मैस का खाना, ऐसा नहीं है। अगर किसी मैस में अच्छा नहीं लगा तो भाई दूसरे हॉस्टल के मैस में खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर भी किसी भी मैस में अच्छा नहीं लगा किसी दिन पर्टिकुलर डे पे, तो तुम भाई आसपास कैंटीन्स काफ़ी हैं तुम्हारी, ठीक है। एक कैंटीन तुम्हारी रात को भी खुली रहती है स्नैकर्स नाम से, जहाँ पे तुम्हें खाना मिल जाएगा। तो खाने की बात करूँ तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ेदार खाना है भाई, खाने का भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। और बाकी हॉस्टल में बात करूँ तो भाई सिंगल रूम नहीं मिलेगा तुम्हें यार यहाँ पे ना, हॉस्टल्स एक्चुअली कम है और बच्चे ज़्यादा हैं, तो सिंगल रूम बहुत मुश्किल है, फाइनल ईयर में मिलेगा सिर्फ, फर्स्ट ईयर में भी तुम्हें सिंगल रूम में 2 बेड लगा के भाई ठूसा जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, ठीक है, सिंगल रूम नहीं मिलने वाला। और भाई अगर मैं बात करूँ गर्ल्स हॉस्टल में, तो वहाँ तो भाई M.Tech में मैंने पूछा किसी से, वो कह रहे हैं कि एक रूम में 5 बच्चे स्टे कर रहे हैं, तो भाई हॉस्टल का काफ़ी बुरी हालत है तुम्हें, हॉस्टल तो भाई एडजस्ट करना पड़ेगा, सिंगल रहने की आदत निकाल दो अपने दिमाग से। प्लेसमेंट की बात करूँ CSIT के पैकेज काफ़ी बढ़िया जाता है, ठीक है, अगर 15 से 20 लाख एवरेज तुम निकाल लोगे वहाँ से, ठीक है, EC का भी थोड़ा सा कम होगा इससे। बाकी अगर मैं बात करूँ कोर का मैकेनिकल का पैकेज भी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 लाख तो बच्चे ले जाते हैं मैकेनिकल में, ठीक है, तो पैकेज अच्छा है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सीनियर्स की बात करूँ, सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव है तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी तुम्हें डाउट है तुम पूछ सकते हो सीनियर से, ठीक है। और रैगिंग की बात करूँ, रैगिंग तो नहीं होती यार, रैगिंग तो आई थिंक किसी भी कॉलेज में नहीं होती आजकल, तो यहाँ तो नहीं है रैगिंग का कोई सीन नहीं है, ठीक है। और क्लब सोसाइटीज़ कैसी हैं कॉलेज में अगर बात करूँ, तो सारी सोसाइटीज़ हैं क्लब्स, हमारे डांस का क्लब है, ड्रामेटिक्स क्लब है, कम्युनिकेशन क्लब है, टेक्निकल की भी तुम्हें कोडिंग रिलेटेड तुम्हारे क्लब्स हैं, तो क्लब्स तो काफ़ी सारे हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है ऐसे, जिस भी क्लब में इनरोल करो क्लब में इनरोल जरूर करना, क्योंकि यार काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है तुम लोगों को, जो कि तुम्हें डेफिनेटली बाकी से अलग कर देते हैं बाकी बच्चों से, तो क्लब ज्वाइन करना मस्ट है यार। और अटेंडेंस की बात करूँ तो भाई अटेंडेंस हमारी 75% ऑन पेपर है, बट थोड़ा बहुत चल जाता है कम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो वो डिपेंड करता है भाई तुम्हारा टीचर कैसा है। अगर टीचर भाई, कई बंदों से मैंने पूछा था कि 50-60% अटेंडेंस थी लोगों की और उनको एग्ज़ाम में बैठने दिया था, और कुछ बंदों से पूछा था एक मैंने केमिकल ब्रांच में, तो वो कहते नहीं भाई कुछ बंदों को डिटेल कर दिया था, तो भाई डिपेंड करता है भाई तुम्हारा टीचर कैसे हैं, अगर टीचर्स अगर सपोर्टिव हैं, कुछ टीचर्स तो क्लास में कह देते हैं लाइक कि अगर अटेंडेंस कोई इशू नहीं है, ठीक है, आओ ना आओ भाई पढ़ने आओ, अदरवाइज ना आओ, अटेंडेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिपेंड करता है टीचर अगर से अगर तुम बना के रखोगे तो मे भी तुम्हारा अटेंडेंस चल जाएगा, बट ऑन पेपर तुम्हारी 75% अटेंडेंस है। बाकी रिसर्च की बात करूँ, रिसर्च के लिए तो इतना बढ़िया नहीं है लाइक NITs जनरली रिसर्च में इतना बढ़िया नहीं होते, बट अगर रिसर्च में जाना तो भाई वही है IIIT हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, वो वही कॉलेज हैं जो मेरे रिसर्च करवाते हैं बढ़िया, तो रिसर्च का इतना नहीं है, मतलब प्लेसमेंट ओरिएंटेड ही है, मतलब प्लेसमेंट की तैयारी ज़्यादातर बच्चे करते हैं, रिसर्च में इतना ध्यान नहीं देता कोई, राइट। और मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी तुम्हारी 5 बजे तक खुली रहती है, राइट, शाम को। बाकी स्टडी रूम होता है तुम्हारा, रात को खुला रहता है काफ़ी, वो तो रात को मैं कई बार देखा है तो 12-1 बजे भी बच्चे बैठे होते हैं, 2-3 बजे भी लोग बच्चे अपना पढ़ रहे होते हैं, कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो ठीक है मतलब तो कर सकते हो तुम रात को स्टडी रूम में, अगर तुम्हारा बंदा अगर पार्टनर पढ़ने नहीं दे रहा भाई तुम्हें तंग कर रहा है, तो भाई हॉस्टल में क्या करो, तुम स्टडी रूम में जाओ और अपना पढ़ो जाके वहाँ पे। बाकी अगर मैं कर्फ्यू टाइमिंग्स की बात करूँ, और हॉस्ट बॉयज़ के लिए तो भाई अगर तुम रात को पूरी रात घूम सकते हो कैंपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, अपना आराम से स्नैकर्स में जाओ, भूख लगी अपना खाना खाओ और अपना आराम से कैंपस में घूम भी सकते हो, अपना वो लगाओ, अपना वो स्पीकर लगाओ, गाने सुनो कैंपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मर्जी ऐश करो भाई, पूरा ऐश है अपनी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, जब मर्जी घूमो रात को कैंपस में, ठीक है, अपना मज़े है, मतलब पंजाब है, ठीक है, भंगड़ा वंगड़ा करो रात को, मज़ेदार अपना सीन होने वाला है। बाकी अगर गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो भाई 10 बजे तुम्हारा हॉस्टल गेट बंद हो जाता है, तो तुम्हें बाहर
जो मजे कर रहे हैं भाई हॉस्टल में करो, बाहर तुम्हें अलाउड नहीं है। ठीक है, तो यही है भाई एनआईटी जलंधर का ओवरव्यू मैं तुम्हें दिया कि क्या क्या मतलब बंदा एक्सपीरियंस करता है वहां पे आके। तो कोई चीज तुम्हें अगर पूछनी है लाइक कि क्या कोई चीज मैंने मिस कर दी तो तुम कमेंट में लिख सकते हो, मैं आई ट्राई टू गिव यू आंसर। ठीक है, गिव यू द आंसर, राइट? ओके, थैंक यू वेरी मच।